अटेंशन दोस्तों, एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपको बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, इन सब का प्रूफ दिखाऊंगा। ये आया कहाँ से, ये सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो फार्मूला हम लोगों ने प्रेशर का ड्राइव किया था वहीं से ये फार्मूला निकलता है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपने ये फार्मूला ड्राइव किया था 1/3 mv² / c² वेयर पी इज प्रेशर अप्लाइड बाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। इस फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, mv को आप डेंसिटी रॉ बोलते हैं। यहीं से हम c² का फॉर्मूला निकालना चाहें इस फॉर्मूले से, 3pv/m, c निकाला है रूट अंडर 3pv/m और pv को nRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो 3nRT/m। अब c² और टी में क्या रिलेशन, यहाँ पे देखियो 3 कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो c² अगर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, या c² इक्वल के टी लिख सकते हैं। इससे अगर हम स्क्वायर भी हटा दें इधर, फिर रूट हो जाएगा c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट अंडर टी। मतलब हम कोई जानते हैं किसी गैस को गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होगा, स्पीड उसका बढ़ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने से उनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे यही प्रूफ हो रहा है, सी क्या था, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से ये बढ़ेगा। RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इससे हम लोगों को बॉयल्स लॉ निकालना है, चार्ल्स लॉ निकालना है। कैसे निकालेंगे, पी का फॉर्मूला 1/3 mv² / c, तो पी भी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3 mc² 1/3 mc². अब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो सी भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, तो पी भी कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट, तो वी इक्वल होगा k/p, तो के हटा दें तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इसी का नाम था बॉयल्स लॉ, कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, दैट इज बॉयल्स लॉ इज ऑब्टेंड। अब भाई चार्ल्स लॉ निकालना है, फिर यही फॉर्मूला लिखे हैं। चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, उस फॉर्मूले को प्रूफ करना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो आप इस फॉर्मूले में c² के जगह पर k(t) पुट कर दें। अब इसमें अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट मानते हैं तो 1 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, p कांस्टेंट, k कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट हटा दें तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो देखिए चार्ल्स लॉ मिल गया, एक ही फॉर्मूले से पहले बॉयल्स लॉ निकला और फिर कौन सा लॉ निकल गया, चार्ल्स लॉ। फिर उसी फॉर्मूले से हम लोग प्रेशर लॉ निकाल सकते हैं। तो प्रेशर लॉ में क्या पढ़ा था, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो c² इसी फॉर्मूले में c² की जगह पे आप k(t) डाल सकते हैं, ये फॉर्म आ गया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो 1/3 mv³, ऑल आर कांस्टेंट, दैट इज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरह से प्रेशर लॉ भी मिल गया, एक फॉर्मूले से सभी लॉ निकाले गए। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है प्रेशर अप्लाइड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। और ये सारे जो लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, ये सब ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। अब आइए सादी कार्नोट इंजन, सादी कार्नोट इंजन, सादी में कार नहीं लेना है आप लोगों को, सादी कार्नोट सिर्फ इंजन ले लेना है। तो ये देखिए, सादी कार्नोट इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट ने शादी में कार वापस कर दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सादी कार्नोट इंजन। तो सादी कार्नोट एक्चुअली किसका नाम है, साइंटिस्ट का। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया, हीट इंजन, जिसकी इफिशेंसी 100% होती है। बनाया नहीं, सिर्फ थ्योरी दिया, कागज़ पे बनाया, प्रैक्टिकली नहीं बनाया इन्होंने, किसने, सादी कार्नोट ने। इसलिए उसी उन्हीं के सम्मान उस इंजन का नाम है सादी कार्नोट इंजन। डिजाइन किया, सिर्फ रूपरेखा तैयार किया, एन इंजन विच इफिशेंसी इज 100%, उसी का नाम है सादी कार्नोट इंजन। ये सिर्फ क्या है, इफिशेंसी, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था इफिशेंसी क्या होता है, कितना आप द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड हीट सप्लाइड, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड
इट्स अप्लाइड, कितना काम कर रहा है, कितना आप पेट्रोल जला रहे हैं, कितना लीटर चल रहा है। अभी जो हम लोग चलाते हैं एक लीटर पेट्रोल, उससे अगर आपका 60 किलोमीटर जा रहा है तो 40% 50% ही जा रहा है, वो 100% हो जाए तो 100 से ऊपर जाएगा एक लीटर पेट्रोल से। तो अगर ये इंजन बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, फ्यूल्स की बचत होगी, एनर्जी का बचत होगा, एक लीटर से 200 किलोमीटर जा सकते हैं क्या। तो इस इंजन का सिर्फ अभी तक सिर्फ है ना थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं बना है, इसलिए इसको थ्योरेटिकल इंजन कहा जाता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, आप देखिए पहले ज़माने में जो बाइक आया, कार आया, वो बहुत कम माइलेज देता था। अब धीरे धीरे देखिए नई नई कंपनियाँ देखता कि ज़्यादा माइलेज है, हर कोई गाड़ी खरीदता, कार खरीदता, बाइक खरीदता है, तो पहले माइलेज देखता है एक लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा। तो इफ़िशेंसी जब ज़्यादा होगा तो जितना है ना उस जितना ज़्यादा इफ़िशेंसी होगा उतना एक लीटर में उतना ज़्यादा किलोमीटर वो कवर करेगा, इफ़िशेंसी वही दिखाता है एक लीटर में वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर सकता है कोई भी इंजन, वो उसकी इफ़िशेंसी होता है। इसे डिफाइन करते हैं रेशियो वर्क डन एंड हीट सप्लाइड। तो जितना हम हीट देते हैं उतना हीट काम में नहीं लगता है, बहुत सारा पार्ट इंजन को गर्म करने में, कुछ तो एटमोसफियर में भाग जाता है, बहुत सारा एनर्जी हीट का क्या होता है लॉस हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम उस लॉस को बचा सकते हैं, उसके लिए सिर्फ डिजाइन किया, रूपरेखा तैयार किया, प्रैक्टिकल। इससे फ़ायदा ये होगा लोग उस ओर बढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग ध्यान लगा रहे हैं कैसी इफिशेंसी क्या किया बढ़ाई जाए, 100% पे पहुंचा जाए। इंजन बनाया नया नहीं था, सिर्फ कागज पे समझाया आपको। तो ये बेस्ट है सादी कार्नोट साइकिल, सादी कार्नोट साइकिल। अगर पढ़ोगे नहीं तो शादी में कार क्या, साइकिल भी नहीं मिलेगा। सादी कार्नोट साइकिल पढ़ोगे नहीं तो साइकिल में क्या मिलेगा, शादी में सिर्फ साइकिल मिलेगा, सादी कार्नोट साइकिल। जरूर ऐसे बोलते हैं, शादी में कार नहीं तो साइकिल जरूर मिलेगा, नहीं पढ़ने वाले को क्या मिलेगा, साइकिल। इसलिए खूब मन लगा के पढ़ो लिखो तो क्या कहे लेगा, सही बात। तो सादी कार्नोट साइकिल, इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला बदल जाता है, यहाँ पे 1-T2/T1×100 है। T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, जहाँ से हम एनर्जी ले रहे हैं वो T1 है, और T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक है। इनका कहना था जितनी एनर्जी बचती है ना उसको आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट में जाके रिजर्व कर सकते हैं, जिसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, जिससे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो पाएगा। इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ये सारे फॉर्मूले आपने और भी जो बचे हैं, पावर बैंक बनाइए, न्यूमिकल्स बनाइए, इस तरह से हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो गया। इतना ही, धन्यवाद।